कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रैगन मरमेट और वैम्पायर के बारे में, जिनके बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है, पर क्या ये रियलिटी में इस दुनिया में मौजूद है या ये सब एक काल्पनिक कहानी है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो ज्यादा टाइम इंट्रो में वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ड्रैगन। ऐसे दोस्तों, इस जीव का जिक्र हमें बहुत सारी लोक कथा में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथा के अनुसार ड्रैगन एक बहुत बड़ा सांप और सिपली चेतक दिखने वाला एक जीव है, जिसके पंख, सिंह और 4 पैर भी है, और यह अपने मुंह से आग निकालता है। और कई सारी लोक कथा में इसे बिना पंख और दानव के रूप में दिखाया गया है, और वहीं कई कथाओं में ड्रैगन की पूजा भी की जाती है। इसे ड्रैगन को प्राचीन समय में बड़े सांप और डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाने वाले जीव माना जाता है, लेकिन ड्रैगन को लेकर अभी भी कोई पक्के सबूत हमें नहीं मिले हैं, इसलिए अभी इसे एक रहस्यमयी और काल्पनिक जीव माना जाता है। नंबर 4, यूनिकॉर्न। दोस्तों, ये एक जीव घोड़े या बकरी की तरह दिखता है, जिसके शरीर पूरी तरह सफेद होता है और इसके माथे में एक बहुत बड़ा सींग होता है, और इनका जिक्र हमें कई सारी कहानियों में मिलता है। इन्हें बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इनके सींग के स्पर्श से कई सारी बीमारी मिट जाती है। और पुराने समय में लोग गेंडे के सींग को यूनिकॉर्न के सींग को बताकर बेचा करते थे, ऐसे इन्हें भी अभी तक एक काल्पनिक जीव माना जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देशों में इन्हें अभी भी राष्ट्रीय पशु माना जाता है। नंबर 3, भेड़िया मानव। दोस्तों, ये एक ऐसा इंसान होता है जो भेड़िया में बदल जाता है। ऐसे भेड़िया मानव को लेकर कई देशों में इसे असली माना जाता है, और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भेड़िया मानव तब बनता है जब उसे कोई श्राप मिलता है, या उसे कोई और भेड़िया मानव काट लेता है, या उसका नाखून लग जाता है। और कहा जाता है कि जब भेड़िया मानव मरता है तो वो एक वैम्पायर बन जाते हैं। इसे इसके पीछे की हकीकत क्या है पता नहीं है, पर इन्हें भी अभी तक एक काल्पनिक जीव माना जाता है। नंबर 2, मरमेट। दोस्तों, ये एक ऐसा जीव होता है जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मछली का होता है, और कहा जाता है कि इनके पास ऐसी बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ होती है, और ये भी कहा जाता है कि ये गाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होती है, और कई लोक कथाओं में अच्छे और बुरे मरमेट के बारे में भी बताया गया है, पर इनको लेकर भी अभी तक हमारे पास कोई पक्के सबूत या कई प्रमाण मौजूद नहीं है, इसलिए इन्हें भी अभी तक एक रहस्यमयी और काल्पनिक जीव माना जाता है। नंबर 1, वैम्पायर। दोस्तों, ये ऐसे जीव होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। इनके अस्तित्व को लेकर कई सारे देशों में विश्वास किया जाता है। इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये रात को अपनी कब्र से निकलते हैं। अगर हम वैम्पायर के जन्म को लेकर बात करें तो कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है या किसी की लाश को कोई बिल्ली लांग देती है तो वो बाद में वैम्पायर बन जाता है। और कईयों का ये भी मानना है कि जब कोई वैम्पायर किसी को काट लेता है या जब कोई बच्चा दांत के साथ बेता होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। पर अगर हम इसको मानने की तरीके की बात करें तो लोक कथाओं में बताया गया है कि इसको मानने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है लकड़ी के हथियार से मानना। तो आगे सूरज की रोशनी से इन्हें मारा जा सकता है। ऐसे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।